वो कोई एंटिटी नहीं, एक नॉर्मल हैकर है। बट तब भी एंटिटी 303 के पास इतना पावर है कि वो हीरो ब्राइन को टक्कर दे सकता है बट हरा नहीं सकता। तो इस कंपैरिजन में जीतता है हीरो ब्राइन। तो बढ़ते हैं सेकंड कंपैरिजन में। तो हीरो ब्राइन ज्यादा ईविल है या एंटिटी 303? तो इसका सीधा आंसर है कि हीरो ब्राइन ज्यादा ईविल है, क्योंकि एंटिटी 303 है तो एक ह्यूमन और हीरो ब्राइन है तो एक एंटिटी। और हीरो ब्राइन जितना माइंड का डिस्ट्रक्शन मचाया है उतना एंटिटी 303 कभी नहीं मचाया। तो बढ़ते हैं थर्ड एंड लास्ट कंपैरिजन में। तो क्या हीरो ब्राइन या एंटिटी 303 में कौन ज्यादा गुड पर्सन है? तो तुम सब ये कंपैरिजन में समझ तो गए कि हीरो ब्राइन एक ईविल एंटिटी, वो कभी गुड हार्ट नहीं बन सकता, और एंटिटी 303 को ईविल नहीं है। बट इसका मतलब तुम सब ये मत समझना कि एंटिटी 303 एक गुड पर्सन है, वो बस नॉर्मल में आता है, ज्यादा कुछ नहीं। तो चलो ये बस मेरा ओपिनियन था। तो हीरो ब्राइन के फैन ज्यादा दिल के मत लेना, और तुम सबको हीरो ब्राइन वर्सेस नुल के बारे में कुछ जानना होगा तो हम उस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे।